भक्ति की है या खुदा से मैंने बड़ी अपनी सिफारिश कर ली है तो मैं खुदा से डायरेक्टली बात करूंगा। लिखा है खुदा के सिवा या खुदा यीशु मसीह के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं जो आगे जा सके। पूरा जाल बिछा है यीशु का, यीशु के लहू का जाल बिछा है, कोई उसके जाल से गुजर कर जा ही नहीं सकता जब तक उसकी रसाई ना हो जाए ईमान से। खाली कर लिया उसने आपको, जब खाली किया तो आसमान पर एक लहर बनी, फिजा बनी उसके लहू की। हर एक जाता है तो यीशु का नाम पुकारता है, फिर ही उसकी आगे जिंदगी का हिसाब होता है, फिर उसकी किताब हयात खोली जाती है और उसके अंदर उसके वर्के खोले जाते हैं, पर चलता है इसने क्या क्या किया है, इसकी क्या क्या किताब के अंदर क्या लिखा है, इसकी क्या गलती थी और इतने कितनी कमाई की और कितना खुदा को दिया। उसकी किताब हयात का एक वर्का खोला जाता है। जब किताब हयात का वर्का खोला जाता है तो उसको ये फिल्म की मानन चलना शुरू हो जाती है, ये टाइम पे ये किया है, ये टाइम पे ये किया है। तो कहता है मैंने तो किया नहीं, तो यीशु उसको कहता है सामने देख ले अपनी हरकतें क्या क्या तू करता रहा, कैसे तू झूठ झूठ बोल सकता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा है, खुदा ने क्या कहा है कि इंसानी रूप धार कर जमीन पर उतरा और इंसानों के मुशाबे होकर लानती सलीब को कबूल कर लिया। सलीब एवं आसान जी गाल नहीं, उन्होंने सलीबा ने कोई चक्कर नहीं गया, उन्हें सीधे धर बंदा फारग। उस वक्त सलीब इस तरह की अजियत देना, बंदा लड़के है 5 घंटे 10 घंटे इस कदर अजियत दे रहे हैं, बाला मारा ना कुछ पता चला, फिर मारा, फिर कुछ मारा, फिर सीधा दिल के अंदर मारा ताकि इंसान का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, उससे वो खून बह निकले। आपने पिछले दिनों के अंदर या शायद उससे काफी देर पहले एक यूसुफ की कहानी की मूवी देखी है, और क्या लिखा है कि एक दो शख्स जब यूसुफ उनके बारे में बयान करता है, एक को फांसी हो जाएगी, एक को इस कदर तरक्की मिल जाएगी। तो जिसको फांसी होनी होती है उसको कैसे सजा देते हैं, मैं आपको बताता हूं। उसको ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, उसके हाथों को यहां पे कट लगाया जाता है, उसके पांव को कट लगाया जाता है, उसका खून निकल रहा होता है, अजियत मिल रही होती है उसको, और जैसे जैसे खून निकलता है उसकी जान तड़पती है। और क्या लिखा है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार रोते हैं, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो, ये मर जाएगा, इसका खून बह रहा है। खून ही तो है जो हमें जिंदा रखता है, खून ही है तो यीशु मसीह का जिससे हम पावर पाते हैं। यीशु का लहू जिथे आ जाता है उथे अबलीस खत्म हो जाता है, किवें भी यीशु का लहू इंसानी लहू जो बहता है ना उदो पता लगता है, जिंदा बहना उन्होंने ही पता लगता है। इसलिए क्या लिखा है, सब नामों से आला नाम उसे बख्शा गया ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमान का हो, ख्वा जमीन का। जमीन के नीचे क्या है।